ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। कौन है आप लोग? यहाँ कैसे आए? क्या काम है? जानते नहीं ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है या बिना हमारी परमिशन के आना है? अरे हुजूर, हम आप ही की परमिशन लेने के लिए आ रहे थे, मगर इससे पहले कि हम आपके पास पहुँचते आप हमारे पास पहुँच गए। मैं चुपू सरकार। चौकीदार जी, हम लोग मुसाफिर हैं, रास्ते में अचानक जीप खराब हो गई, रात भर ठहरने के लिए यहाँ जगह मिल सकती है? तुम यही ठहरो, हम मैनेजर साहब से पूछ के आते हैं। पूछो। जाना नहीं? हाँ मैं चुप हूँ। गेस्ट हाउस में रात भर ठहर सकते हो, पर पहले पेशगी में 200 रुपया नगद दे दो। ये जो तुम हमसे पैसा मांग रहे हो, ये तुम्हारे मैनेजर सबको मालूम है? मतलब क्या तुम्हारा? बिना मैनेजर साहब के जाने तो यहाँ पता भी नहीं हिलता। अब रुपया देते हो तो दो, वरना नाक की शीद में रास्ता नापो। यहाँ होटल नहीं खोला हमने। हाँ तो भाई जान, ये 200 रुपए क्या खोलने के ले रहे हैं आप? मैं चुप हूँ सरकार। ये लो मिर्जा, सामान उठाओ। जी हुजूर। सेठ जी, सेब के 40 ट्रक हो गए, बस आज हिसाब कर दीजिए। मैंने कब मना किया है? लो ना, अभी लो। हाँ। बाबूजी, 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, अब तो रहम कीजिए। सरकार, 3 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं चला, अब तो कुछ रहम कीजिए सरकार। बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं सरकार, अब उनकी हालत देखी नहीं जाती। नहीं देखी जाती तो मैं क्या करूं? मैं कहां से लाऊं पैसे? मैं भी तुम्हारी तरह एक मुलाजिम हूं, मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली। दिल्ली जाकर इस फार्म के मालिक बीएन कपूर से, जिन्होंने तुम्हारी तनख्वाह के पैसे तक नहीं भेजे, और जबकि वो जानते हैं ये पूरा फार्म घाटे में चल रहा है। अरे फार्म घाटे में नहीं चल रहा है, बल्कि चलाया जा रहा है। हमारे पसीने की कमाई और इस फार्म के मालिक का मुनाफा, ये दोनों ही आपकी रंगरलियों में स्वाह हो रहे हैं। बोलने लगा, अगर तो वाह वाह, ये हुई ना बात। जो हक की बात करे उसका सर इसी तरह ही कुचल देना चाहिए, है ना? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत खुशी हुई। मिलाइए हाथ। चलो बांट लो, पकड़ लो कुत्ते को। Thank you.
इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ वक्त पे आ गए। इन गुंडों को गिरफ्तार कर लीजिए, इन्होंने मेरे फार्म पे गुंडागर्दी मचा रखी है। मेरे फार्म पे? फार्म के मालिक दीवान विशंबरनाथ कपूर, और शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ये साहब उन्हीं के इकलौते लड़के मिस्टर रवि कपूर। आदमी? हाँ, और मैं इन्हीं के कहने पर इस वक्त यहाँ मौजूद। थैंक यू इंस्पेक्टर। मैं भी अपनी असलियत छिपाकर कल रात से इस बदमाश के काले करतूत देख रहा हूँ। अभी सर इसके आदमियों को गिरफ्तार कर लीजिए। पकड़ लीजिए। हमसादे, मैं तुझे देख लूंगा, मैं तुझसे इस बेइज्जती का पता लूंगा। चलो। क्या हुआ? हमारे एक वर्कर को शेर उठा के ले गया सरकार। शेर? हाँ साहब, शेर। यहाँ से 20-20 मील के इलाके में जब बच्चा रात को होता है तो माँ कहती है हो जा, नहीं तो शेर आ जाएगा। अबे हो जा नहीं, सो जा। मैं चुप हूँ सरकार। बेचारा माँ बाप का इकलौता बेटा था, वही दोनों का पेट पालता था सरकार। हाँ साहब। Thank you.
संभाल के, जख्मी नहीं हुई, डर कर बेहोश हो गई। बाबूजी, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें एहसान की क्या बात है सरदार, मैं तो इसे शेर का शिकार करने निकला था। अच्छा अब मुझे आज्ञा दीजिए। ये क्या कह रहे हो बाबूजी, शरद पूर्णिमा के दिन पधारे हो, हम तुम्हें बिना आवभगत के नहीं जाने देंगे। हाँ। अरे रुक जाइए सरकार, मुझे जबरदस्त भूख लगी है। आइए। हसीना की निगाहों का निशाना बन गया कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना पर्वतों पे एक नया आशियाना बन गया कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना से मेल की इश्क के खेल की। वो कोई अनजान सी कोई नादान सी वो हसी दिल रुबा कोई नागन सी क्या जो मुझे दस गई दिल में यूं बस गई बस गई बस गई। दिल का आना जान कहा रे जाना बन गया कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया कोई परदेसी दीवाना बन गया। दीवाना दीवाना मेरे आ गई सामने शर्म से रुक गई आँख यूं झुक गई। उसका कोरा बदन कोरा कोरा बदन रह गया काँप के अपना मुंह ढाँप के। वो यूं घबरा गई जुल्फ लहरा गई लहरा गई लहरा गई।
पहली मुलाकात का ऐसे बहाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया, दीवाना दीवाना। शेर का शुक्रिया जिसने हमला किया, डर के सिमटी थी वो, मुझसे लिपटी थी वो। जान तो बच गई, चोट दिल पर लगी, मैं भी घायल हुआ, वो भी घायल हुई। दर्द दिल ले गई, दर्द दिल दे गई, दे गई, दे गई। बात जरा सी थी मगर एक फसाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया। एक हसीना की निगाहों का निशाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया, दीवाना दीवाना। पर्वतों पे एक नया आशियाना बन गया, कोई परदेसी दीवाना बन गया, दीवाना दीवाना, दीवाना दीवाना। बाबूजी, हम कबीले वाले आपको हमेशा याद रखेंगे। जब कभी यहां से गुजरो तो हमसे बिना मिले मत जाना। हम गरीबों के पास और कुछ हो न हो, मोहब्बत जरूर है। अरे आप कह के तो देखिए सरदार, हमारे सरकार यहां से जाने का नाम नहीं लेंगे। मिर्जा। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। आजा। हाँ चलिए। खुदा हाफिज़ सरदार। सरकार, मैं तो चला पीछे के रास्ते पे, आप ही कीजिए उनका सामना। मिर्जा, खुदा बचा। गुड मॉर्निंग मम्मी। आ गए बेटे। गुड मॉर्निंग डैडी। मैं पूछता हूँ तुम दोनों लेट क्यों आए? अभी तो थका रहा सफर से आ रहा है, कम से कम उसे हाथ। तुम बीच में मत बोलो जी, तुम्हारे लाड प्यार ने से बिगाड़ दिया है। बताओ दो दिन लेट क्यों आए? जी, हमारे फार्म के इलाके में आदम को शेर आ गया था, उसे मारने में ही देर लग गई। क्या तुमने शेर का शिकार किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे क्या औरतों जैसी बातें करती हो, किस शेर की मजाल है जो दीवान विशंबरनाथ कपूर के बेटे का बाल भी बांका कर सके? शाबाश रवि, हमें तुम पर फख्र है कि तुम हमारे बेटे हो। आओ हमारे से नाश्ता करो, घर बैठो। रवि जी, कल सुबह सीधे हेल्थ क्लब से तुम घर वापस आ जाना, कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनमें वो लड़की भी है जिसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। मेरी शादी? डैडी आप तो
मेरी शादी की बात इस तरह कह गया जैसे रोजाना का प्रोग्राम हो। तो क्या हुआ, जानते हो कि वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए शिमले आए हुए हैं और कल सुबह तुम्हें खास मिलने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। जरी, मेरी जिंदगी का इतना अहम फैसला। मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना, मैं फैसला कर चुका हूँ। डरी, क्या कि मैं कह रहा था, हमको उन लोगों को तकलीफ क्यों दें? वो लोग शिमला की सर्दी छोड़कर दिल्ली की गर्मियों में आ जाए। मेरा मतलब, वो लोग यहाँ है, इसके बदले मैं वहां चला जाऊं। मतलब लड़की, बातचीत अकेले में, अगर आप कहें तो। ठीक है, क्यों गायत्री? जी हाँ, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, आप भी तो मुझे सब्जी मंडी में ही मिले थे। हाँ, सब्जी मंडी, सब्जी मंडी। माता जी बोले शिमला जा रहे, पिताजी बोले शिमला जा रहे, माता जी पिताजी के सामने आप बोले हम शिमला जा रहे, लेकिन जिस रास्ते पर हम हैं वो शिमला नहीं जा रहा। तो फिर तुमने गाड़ी क्यों रोकी? हम जा कहाँ रहे हैं? ओहो, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा उस कबीले के सरदार से मिलने। और उनसे मिलने के बाद कहेंगे क्या? यही कि वो सुंदर कन्या जो शरद पूर्णिमा की रात को पायल बांधकर हमारे सरकार के सामने नाची, उसे हमारे सरकार के सामने पेश कर दिया जाए, क्योंकि उसने हमारे सरकार के दिल में मोहब्बत के घुंघरू बजा दिए हैं। रात भर बेताबी में जब करवटें बदलते हैं तो बिस्तर मखमल पर 150 खलवटें पड़ जाती हैं। इसका जवाब जानते हैं आप? नहीं। लाठियों से बोलती बंद कर देंगे। इसलिए कोई ऐसी तरकीब सोचनी पड़ेगी कि गाँव में रहकर पहले तू ये जान ले कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोचती है। क्यों? बेहतर है, बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका लड़की से डांट खाने का चांस बहुत कम है। सरदार, सरदार, कौन है? कहाँ हो सरदार? सरदार, अरे तुम, क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ सरदार, मेरे सरकार को पता नहीं क्या हो गया। आइए आइए, देखिए, ओह देखिए, पता नहीं क्या हो गया, अच्छे खासे मेरे साथ थे। अरे क्या हो गया इन्हें? अरे देखो, जब से यहाँ से गए हैं इनका होश रेलगाड़ी की तरह आता जाता रहता है। सरदार, नबज से तो कुछ पता नहीं चल रहा। नबज से कैसे पता चलेगा? अरे इनका दिल चटोलो दिल, जिसमें से धुआं उठता रहता है। ये देखो उनका, ये धाचक, धाचक, धाचक। हाँ सरदार, इनकी हालत तो एकदम गंभीर है। इनकी हालत बहुत खराब है, खटिया पे ले चलिए। आइए, ओ सरकार, ओ ओ, अरे आइए आइए, क्या हो गया सरकार को? अरे आए तो भैया, अरे संभाल के, आगे खटिया, आगे खटिया, आगे। अरे अरे, और सरकार, अरे सरकार क्या हो गया? सुंघाइए सुंघाइए, आप सूंघ रहे हैं सरकार। सरकार आंखें खोलिए, तकिया पे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इन्हें होश तो आया। सरदार, मैं यहाँ कैसे आ गया? आप नहीं, मैं आपको यहाँ ले आया। ये तो जड़ी बूटियों का कमाल है कि आपको होश आ गया, नहीं तो मेरे तो होश उड़ गए थे। मुझे कुछ नहीं होता सरदार, मेरी किस्मत भी आपका ऐसा लिखा था। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे सरकार, अरे सरकार, अरे कहाँ गिर रहे हैं आप? नहीं बाबूजी, अभी तुम्हारी तबीयत बराबर नहीं है, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। मुझे ठहरना पड़ेगा। जी हुजूर। अच्छा, मिर्जा। नहीं, मैं बंद हूँ सरकार। हाँ बस। अरे बेटी, डाक बंगले पर खाना भिजवा दिया? अरे आजकल शहरों में खाना पीना बड़ा खराब हो गया है, अब बताओ ये भी कोई उम्र है बीमार होने की? आए तो बिल्कुल बेसुध थे, ये तो मेरी जड़ी बूटी काम कर गई। बेटी, ये वही बाबूजी है जिन्होंने शेर मारकर तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था, है ना मिर्जा? मैं चुप हूं सरकार। आओ ना बैठो। ये क्या, ना बैठती हो ना बोलती हो? दीदी कैसे बोलेगी, वो तो गूंगी है।
आज मैंने समझ लिया। मैंने जब भी तुमसे बात करने की कोशिश की तो मेरी आंखों में आंसू क्यों उभर आए, इसलिए ना कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पर इतना नहीं था। अरे भला वो इन बेजुबान आंसू होगा जिन्होंने तुम्हारी आंखों से छलक कर मेरी मोहब्बत का इकरार कर दिया। वरना वरना मैं तो मर जाता। आओ खन्ना प्यारे आओ, आओ कैसे हो भाई? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई जी। रवि को साथ नहीं लाए? रवि? रवि को अपने साथ? भाभी मैं तो सीधा शिमले से आ रहा हूँ। अरे भाई वो भी तो शिमले ही आया है तुमसे मिलने। मुझसे मिलने? हाँ। तब निकला वो? यही को 3-4 रोज हो गए। हाँ। लेकिन मुझे तो नहीं मिला वो। फिर कहाँ गया वो? तुम चुप रहो जी। वो पाजी मुझे चकमा देकर फरार हो, मुझे तो उसी समझ जाना चाहिए था जब वो शिमले जाने की रट लगा रहा था। एक मालूम हो जाए कि इस वक्त वो है कहाँ। इसे मैं रख लूं? क्यों? ये हम दोनों के प्यार की निशानी है। फिर तो मेरी तरफ से तुम इसे अपने पास ही रखो, क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज का हकदार एक खूबसूरत ही हो सकता है। जी तो चाहता है कि तुम्हें नुमाइश के लिए चिड़ियाघर भेज दूं, इतने दिनों से ये पता लगा सके कि वो दोनों कहाँ गायब हैं। सर हमने कंपनी के सारे ब्रांच ऑफिस और बॉम्बे कलकत्ता मद्रास के सारे होटल से कॉन्टेक्ट किया, यहाँ तक कि इस केस की फाइल भी बना ली है। बिल्कुल उठाओ। जी सर। हेलो। यस जस्ट अ मिनट। किसका है, किसके लिए है? माता जी के लिए है, मिर्जा बात कर रहे हैं। लाइन अंदर दे दो। अरे डर 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 रो। अरे अक्कल के अड्डे, मिर्जा और रवि तो साथ साथ है। मिर्जा मैं चुप हूँ आधा वर्ष। अबे आधा वर्ष के बच्चे तू बोल कहाँ से रहा है? शिमला के माल रोड से। क्या रोड है, क्या माल है? सरासर झूठ बोल रहा है। अरे शिमले तो तुम पहुंचे ही नहीं। सच से बताओ कहां से बोल रहे हो, वरना फोन पर ही तुम्हारी खाल खींच लूंगा। मैं आपको सच सच बताता हूँ कि मैं आपको सच सच कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि छोटे सरकार ने मुझे सिर्फ माता जी से बात करने की इजाजत दी है हुजूर। अच्छा, उस नालायक की ये जरूरत? जरा उसे लाइन पर बुलाओ। जी मैं उनको लाइन पर नहीं बुला सकता, क्योंकि वो खुद लाइन मारने में मसरूफ है। लाइन मारने में क्या मतलब? जी मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने तो उनसे पहले ही कहा था कि मुझे फार्म पर मत भेजिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। लेकिन वो क्या सुनते हैं, वो तो अपने आप को अकलमंद की औलाद समझते हैं ना। बिल्कुल मैं चुप हूँ सरकार। बेवकूफ नाबाकूफ गधा इडियट। किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तूने हमारी मेहमान नवाजी का नाजायज फायदा उठाया। हमने तुझे इज्जत पर डाका डाला। क्या? हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन हम अपनी बेटियों का सौदा नहीं करते। तुमने चांदनी को शेर के शिकार से इसलिए बचाया था ना, ताकि तुम अपने हवस का शिकार पूरा कर सको। खामोश। अगर किसी ने एक भी नापाक लफ्ज मेरा चांदनी के बीच निकाला तो मैं गोली चला दूंगा। देखता हूँ तेरी बंदूक पे कितनी गोलियां हैं। अरे तू हमारी जान ले सकता है, हमारा ईमान नहीं। मैं देख रहा हूँ सरदार कि आप लोगों ने गुस्से के जोश में अपने होश खो दिए। आप लोगों ने मुझे नहीं, मेरी मोहब्बत को ललकारा है, मेरे और चांदनी के पाक रिश्ते को जलील किया है। और आप लोगों के इन तमाम इल्जामों के जवाब मेरे पास है।
कि मैं चांदनी से प्यार करता हूँ, उसे दिलो जान से चाहता हूँ। अगर आपको अब भी मेरी नियत पर शक है तो लीजिए और लगाइए निशाना। सरदार देख क्या रहे हो, चलाओ बंदूक, इसकी बातों में मत आओ, चलाओ बंदूक। सरदार सिर्फ इतना बता दो कि तूने अपने प्यार का अंजाम क्या दिया। जंगली कबीले की लड़की हमारी बहू, इम्पॉसिबल। तुम्हारा दिमाग फिर गया रवि, दीवान विशंबर नाथ की इज्जत को क्या समझ कंगन की वादियों में नीलाम कर दिया। मैंने अपने खानदान की इज्जत नीलाम नहीं की डरी, अपने जज्बात की कदर की है। तुम्हारे जज्बात की कीमत क्या है? कौन होते हो तुम अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने वाले? तुम दीवान विशंबर नाथ की जायदाद के वारिस हो, ये शादी तुम्हें तोड़नी होगी। लेकिन शादी का पवित्र बंधन ऐसे कैसे तोड़ा जा सकता है? तुम चुप रहो गायत्री। हाँ माँ, तुम चुप रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मैं दीवान विश्वनाथ कपूर का बेटा हूं। मेरे जज्बात की कोई कीमत नहीं, मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने वाला कोई नहीं, मैं सिर्फ एक बेटा हूं, कोई आदमी नहीं। मेरी माँ, काश तुमने मुझे जन्म देने के बजाय एक बाटी का पुतला खरीद लिया होता, जिसके कोई जज्बात नहीं होते, कोई मर्जी नहीं होती। ठीक है दीदी, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा, अब जो कहेंगे मैं वही करूंगा, क्योंकि आप तो अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझते। आप अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझते हैं। आप अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझते। आप अपने आप को इंसान नहीं भगवान समझते। रवि, बेटे, कल हम अपनी बहू को खुद लेने चलेंगे। आइए बाबू, आइए। चांदनी कहाँ? बाबूजी, बहू तो मंदिर गई। डरी, आप आराम कीजिए, मैं चांदनी को लेकर आता हूँ। बेटा जल्दी आना। माँ, मैं यूं गया और यूं आया। अच्छा, तो चांदनी मंदिर गई है। चांदनी, चांदनी,
कौन है तू? अच्छा तो तू है चांदनी है? समझाता हूँ, इस जीप में मैंने एक टाइम बम फिट कर रखा है। जो ही टाइम बम फटेगा तुम विधवा हो जाओगी, लेकिन मेरी रानी मैं तुम्हें विधवा नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा हमेशा सुहागन बनाए रखूंगा। बस कीजिए साहब, बहुत हो गया। बस कर जाओ भी भाई, किसी ने जिंदगी भर साथ निभाने की कसम खाई थी लेकिन मौत ने उसकी कसम तोड़ दी। सुन रवि, कहां जा रहे हो? जी मैं जरा बाहर जा रहा हूं। वो तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन जा कहां रहे हो? जहां से कल रात अब मुझे लेकर आए थे। अच्छा है, सच बोलना बहुत अच्छा है, लेकिन बेटे जहां जाकर तुम खुद लौटने की हालत में नहीं रहते, क्या वहां जाना बहुत जरूरी है? जिंदगी और खुशी तुम कभी शराब में नहीं पा सकोगे रवि। तेरी जिंदगी जैसी
बेवफा चीज का क्या भरोसा? और खुशी, खुशी तो पल दो पल ही कोई पाता है, गम बहुत दूर तक साथ देता है डेरी, बहुत दूर तक साथ देता है। ठीक है बेटे, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, जरा एक मिनट के लिए रुक जाओ और आज के बाद तुम्हें कभी रोकूंगा भी नहीं। बंसी, जिस बेटे की रगों में तुम्हारा दूध लहू बनकर बह रहा है उसके लिए दारू दवा बन गई। लो ये दवा, उसे अपने हाथों से पिलाओ। डेरी, आपका दिमाग खराब हो गया है? नहीं गायत्री, हमारा बेटा जवान हो गया है। डेरी आप, अगर ये जहर ही तुम्हारे गम का इलाज है तो हमारे सामने पियो, कम से कम बाहर वालों की कहने की जरूरत नहीं होगी कि कपूर साहब रोकिए अपने बेटे को, अगर वो इसी तरह शराब पीता रहा तो मर जाएगा। एक बाप होकर मैं कैसे कह सकता हूं रवि, जब मेरा बेटा जिंदा रहने के लिए शराब पीता है, क्योंकि उसकी दुनिया बर्बाद हो गई है, वो दुनिया जिसमें हम दोनों का कोई जिक्र नहीं है, हम दोनों जिन्होंने उसे पाला पोसा बड़ा किया इस तसल्ली के सहारे कि जब ये प्राण उड़ेंगे तो मेरी अर्थी मेरे बेटे के कंधों पर होगी। लेकिन मुझे भागे को क्या मालूम था कि मेरा जवान बेटा अपनी अर्थी को मेरे कंधों पर लादना चाहता है। अगर इन आंसुओं की जुबान होती तो मुझे आपसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। मैं फूल क्या था डेरी, मैं सिर्फ एक आदमी नहीं, एक बेटा भी हूं। मुझे माफ कर दीजिए डेरी, मुझे माफ कर दीजिए। सर, आपने सोचा हमारी बॉम्बे की फैक्ट्री के लिए किसको भेजा जाए? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। बॉम्बे मैं जाऊंगा। हाँ डेरी, बॉम्बे मैं जाऊंगा। आप जाएंगे? क्यों, मैं नहीं जा सकता? आप जुनी से कहिए फौरन मेरे लिए बॉम्बे की टिकट बुक कर दे। यस सर। रवि, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन। थैंक यू डेरी। मेरी खन्ना जी से बात हुई, उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। ये कार्ड आप अंदर दे दीजिए। आई एम सॉरी, आपका अपॉइंटमेंट तो 11 बजे का था। ठीक है, लेकिन अभी तो 11:10 हुए हैं। वो तो ठीक है, लेकिन चीफ आर्किटेक्ट टाइम के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। 10 मिनट की वजह से अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया? ये आपका चीफ आर्किटेक्ट अपने आप को समझता क्या है? मेरे ख्याल से इस शख्स को मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप हैं चीफ आर्किटेक्ट। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था सिर्फ किसी औरत का दिमागी घड़ी किसी के साथ बना हुआ हो सकता है। आज जरा सी देर हुई तो आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया। जानती हैं, आपकी बस सुलूकी की वजह से अगर गोलमोर एपल्स अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो आपकी फर्म को कितना नुकसान होगा? नुकसान की बात तो बाद में होगी, पहले मुझे ये बताइए कि इजाजत के बिना आपने अंदर आने की जरूरत कैसे की? और अगर आप ये समझते हैं कि आपकी कंपनी खन्ना एंड खन्ना पर एहसान कर रही है तो आप तशरीफ ले जा सकते हैं, दरवाजा आपके पीछे है। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हैं? सुना नहीं मैंने आपसे क्या कहा?
आपको देखने के बाद बाकी मैंने कुछ नहीं सुना। अगर आप ये समझते हैं कि आपकी चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर मैं भूल जाऊंगी कि आपने आने में देर कर दी थी तो आप गलत समझ रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तस्वीर आपकी है? आपकी नजरों की दाद देनी चाहिए, मुझे देखकर भी पूछ रहे हैं किसकी तस्वीर है। आप पहचान नहीं सकते? पहचानेंगे कैसे, अब तुम दोनों छोटे थे। जीते रहो। कैसे हो बेटे? ठीक हूं। अरे तू क्या देख रही है, पहचाना नहीं? रवि है रवि, अपने दिल्ली वाले कपूर अंकल का बेटा। जादे तुमने बचपन में दोनों ने एक दफा शिमला में इकट्ठी छुट्टियां गुजारी थी। पंटी माय गॉड, तुम कितने बदल गए हो। और तुम अब भी वैसी हो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें कोई यूं ही समझ बैठी थी। कभी कभी किसी को कोई और समझ लेना भी ये खूबसूरत इत्तेफाक है। वैसे माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को जब माफ कर लो तो रवि बेटे तुम मेरे कमरे में आ जाना जी। और गीता बेटा तुम रवि को कल फैक्ट्री की साइट दिखला देना। ओके, सी यू। वक्त भी पंख लगाकर कैसे उड़ जाता है और अपनी यादें छोड़ जाता है। रवि, आज मैं सच में बहुत खुश हूं। ये देखो तुम्हारी नई फैक्ट्री के प्लान और उसकी ब्लूप्रिंट कल ही कल मैंने तैयार की हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक्स से काम नहीं चलने वाला। पहले मैं तुम्हें फैक्ट्री पे ले जाती हूँ, सब कुछ समझाती हूँ और उसके बाद तुम मुझे लंच पे ले चलोगे। बोलो टैंजोर या आउटरिगर या रॉन्डेवू, तुम जहाँ कहोगी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। इस शहर में मैं पहली बार आया हूँ। क्या ड्राइवर, गाड़ी रोको। तुम बॉम्बे में पहली बार आए हो? हाँ, इसमें हैरत की क्या बात। तुम हिंदुस्तान के इस हैरत अंगेज शहर में पहली बार आए हो तो क्या ये हैरत की बात नहीं है? चलो आज काम की छुट्टी, मैं तुम्हें शहर दिखाती हूँ। ये अचानक क्या हो गया, तुम तो वक्त की बड़ी पाबंद हो। जब पिछला वक्त अचानक लौट आए तो फिर वक्त की कैसी पाबंदी। ये है गेटवे ऑफ इंडिया। सन 1911 में जब किंग जॉर्ज V अपनी पत्नी क्वीन मैरी के साथ हिंदुस्तान पहली बार आए थे तो ये मॉन्यूमेंट उनके स्वागत के लिए बनाया गया था। और जानते हो जैसे ही पहली बार उन्होंने इस जमीन पर पैर रखा तो उन्हें इस मुल्क से क्या होने लगा? क्या? इश्क। और ये है हैंगिंग गार्डन। इसका नाम हैंगिंग गार्डन कैसे पड़ा इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है, मगर रात को जब लहरें शहनाइयां बजाती हैं और तारे आसमान में आंख में चूली खेलते हैं तो इस गोल घूमती हुई सड़क पर चमचमाती रोशनी ऐसे लगती है जैसे सागर ने रात का हार पहन दिया हो। जानते हो उस वक्त यहाँ चाहने वाले एक दूसरे की बाहों में झूलते हुए क्या करते हैं? क्या? इश्क। और यह है पवाई लेक। शहर के शोरों शराबे से दूर लोग यहाँ अपने प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ आते हैं। और जानते हो लहरों की आगोश में तैरती हुई किश्ती पर सवार होकर क्या करते हैं? इश्क। जी नहीं, मछलियां पकड़ते हैं जी। और ये है फिल्म सिटी। यहाँ पर इमोशनल हिस्टोरिकल सोशल ड्रामेटिक इश्क मैन्युफैक्चर किया जाता है हिंदुस्तान की अमीर गरीब जनता के मनोरंजन के लिए। और इस मैन्युफैक्चर इश्क की खासियत ये है कि वो कमर्शियली वायबल होता है। अरे क्या हुआ? ये तुम जो कुछ भी कह रही हो बिना बोले समझा सकती हो? बिना बोले? बिना बोले कोई कैसे समझा सकता है? क्यों, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बोल नहीं सकते फिर भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचा देते हैं। अच्छा, तो जनाब चाहते हैं कि मैं अपनी बात इशारों में कह दूं? बहुत खूब, कोशिश करती हूं। फिल्म सिटी। यह फिल्मों की शूटिंग होती है, मार धाड़ नाच गाने। अब कुछ फिल्मों के नाम बताओ। सुहाग
सिंदूर। दुल्हन प्यार है।
खजना, कहाँ खो गए रवि? मैं नहीं खोया गीता, मेरे सपने खो गए। लगता है पेट्रोल खत्म हो गया, मैं पेट्रोल लेकर आता हूं। लवली नो कंपनी। हाँ रात के लिए साथ की जरूरत है, तुम एक हो हम चार, तुम फूल हो हम हार। चलो क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। तुम्हें छोड़ दूँ? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? नहीं, मुझे मेरे बाप ने काटा है कि तुम्हें छोड़ दूँ अकेला और अपनी जवानी का प्लान मोड़ दूँ? नहीं नबा। हाथ दबा। शक्ल से इसका ड्राइवर लगता है या बॉडीगार्ड? क्या लगता होगा इसका? ये इसका वो लगता है। मिस्टर लवली नो, तुम इनके वो लगते हो ना? वो तो टके की छोकरी के लिए तूने मेरे साथ लफड़ा किया है। अगर इस छोकरी का मैंने लवली नो नहीं किया ना, तो मेरा नाम पीटर नहीं पीटर। कभी कभी दिन भी ख्वाब की तरह गुजर जाता है। ख्वाब नहीं देखना चाहिए, भरम टूट जाने पर दुख होता है। भरम तो तुमने होने ही नहीं दिया, जरा जरा सी देर में ऐसे खो जाते हो जैसे कि आस पास सिवाय तुम्हारे और तुम्हारी तन्हाई के कोई है ही नहीं। अगर तुम्हें महसूस हुआ तो मैं इस बदसलूकी के लिए माफी चाहता हूँ। माफी तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर मिलेगी कि तुम अपनी दुनिया में नहीं खोगे और मेरे साथ डांस करोगे। और अगर इसके लिए भी माफी मांगू तो तुम अपनी माफियों का हिसाब करते रहो, मैं चली डांस करने। लेकिन एक बात बता दूं, थोड़ी ही देर में तुम भी मेरे साथ डांस टॉपर होगे। ये शर्त है या दावा? शर्त या दावा तो नहीं, हाँ वादा जरूर है। You ever care for me?
जमाना नहीं रहा, हम हा? कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तो लड़का लड़की एक दूसरे से मिलकर खुद ही बात कर लेते हैं। गीता खुद मिलने गई है रवि से। अब हमारा काम तो सिर्फ आशीर्वाद देना रह गया है। जनरेशन गैप, समझे? समझा, जनरेशन गैप। बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं, न तू कुछ कहे। तुम रवि कोई खुशी जाहिर की, न मुझे मुबारकबाद दी, यहाँ तक कि तुम्हें ये भी जानने की जरूरत है कि मैं किसके पल्ले पड़ रही हूँ, किससे शादी कर रही हूँ। जरूरत क्या है, जिससे भी कर रही हूँ जरूर कोई खुशकिस्मत इंसान होगा। खुशकिस्मत होगा है, और वो तुम हो रवि। मैं क्या कर रही हो तुम? ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? गीता, तुम मेरे बारे में जानती क्या हो? सब जानती हूँ रवि, तुम्हारी जिंदगी के उस सारे पहलू की खबर है मुझे, जिसे तुम आज तक नहीं भुला पाए। तुम्हारी इसी बात से हमें तुमसे प्यार हो गया है। कौन सी बात? एक बात जिसे दिल देते हो उसे दिल से नहीं निकालते। तुम जानती नहीं उसकी तुम्हें तुम्हारी यादों की कसम। मुझे एक मौका दो, मैं वादा करती हूँ तुम्हें इतना प्यार दूंगी कि इस चेहरे के सिवा और कोई चेहरा नहीं रहेगा। Thank you.
क्या कहा डॉक्टर ने? अरे इन डॉक्टरों को क्या, जो भी मन में आता है कह देते। फिर भी कुछ तो कहा होगा। हाँ तो कहने लगे साहब कि आपकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे हमारा खानदान कौन सा मुगलिया खानदान है जो बारिश ना होने पर तख्ते ताऊस खाली पड़ा रहेगा। अच्छा क्या हुआ गीता? इस तरह उदास नहीं होते ना सही संतान का सुख। हम दोनों तो है एक दूसरे के लिए। तुम नहीं समझोगी रवि, ये तो वो औरत ही समझ सकती है जो मां बनना चाहती है और बन नहीं सकती। बहुत छोटी थी मैं जब मां का साया मेरे सर से उठ गया। मां क्या गई, मेरा बचपन चला गया और उसी के साथ साथ नन्हे मुन्ने सपने भी। बस एक सपना साथ रहा, एक दिन मेरी शादी होगी, मेरा अपना घर होगा और फिर मैं मां बनूंगी, मेरा बच्चा होगा और उस बच्चे में मेरा बचपन फिर लौट आएगा। वो बचपन जिसे किलकारियों के शोर में मैं कभी जाएगा नहीं पाए। लेकिन अब वो बचपन कभी नहीं आएगा, मेरा सपना पूरा कभी नहीं होगा। रवि, मैं माँ कभी नहीं बनूंगी, कभी नहीं बनूंगी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ गीता, लेकिन मां होने के लिए किसी को जन्म देना जरूरी नहीं। पर नाम धरती को मां नहीं कहते, ममता एक एहसास है और जिसे पूरा करने के लिए किसी भी बच्चे को गोद भी लिया जा सकता है। देखो गीता, भगवान का हर फैसला इंसाफ की दलील होता है, पर ना जाने को मेरा दिल कहता है कहीं ना कहीं कोई बच्चा जरूर होगा जो एक दिन तुम्हें मां कहकर लिपट जाएगा। तुम मुझे खिलाती हो, आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा। माँ पानी। खिलावन देखा हो? अरे कौन है ये रानी बिटिया? अरे 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 राम, अरे चला उठावा जल्दी। करामत रही इस वक्त की, प्राण भी बच गए और बच्चा भी। अच्छा, भगवान की कृपा। Thank you.
मुबारक हो, लड़का हुआ लड़का। बहन जी नमस्ते। नमस्ते, मेरा सामान तैयार है। बस जी एक मिनट में लाया। देखो बेटे, तुमसे कोई भूल हो गई है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं। क्या तुम्हारी माँ खो गई है? देख माँ, तू बोलने लगी है इसलिए मुझे बुद्धू बना लिए, पर मैं सब जानता हूँ। जब मैं तुझे इतने सारे लोगों के सामने पहचान सकता तो क्या तुम मुझे नहीं पहचान सकती? देख मेरी तरफ, खा मेरी कसम तो मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, खा मेरी कसम। बोल मैं तेरा बेटा हूँ कि नहीं? हाँ बेटे, तुम मेरे ही बेटे हो। अब तो मुझे छोड़कर कभी मत जाना। नहीं बेटे, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो घर चलते हैं। माँ, ये मोटर गाड़ी तेरी है? हाँ माँ, तुझे इतने अच्छे अच्छे कपड़े, मोटर गाड़ी कैसे मिल गए? वैसे ही जैसे तुम मिल गए। समझ गया, भगवान जी की मर्जी से है। मैं कुछ लग रही है? बात ही कुछ ऐसी है, लगता है जैसे वीराने में अचानक बाहर आ गई है। ऐसी क्या बात? अंदर चलो बताती हूँ, चलो चलो। अरे कुछ बताओ तो सही। मुझे कोई माँ कहकर बुलाने वाला मिल गया है। क्या? हाँ रवि। लेकिन कौन? मामा तू कहाँ चली गई थी? ये कौन है? इन्होंने तुम्हें घर गाड़ी और अच्छे कपड़े दिए ना? हाँ बेटे, ये सब इनकी बदौलत है। तब तो ये अच्छे आदमी है, हमें तो अपने साथ रख लेंगे। तुम हमारे साथ रहोगे? रहोगे ना?
जवाब तो मैं भी नहीं जानती। शायद जाने की कोशिश करती मगर मुझे तुम्हारी बातें याद आ गईं। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे तुमने कहा था। ये मुझे देखते ही लिपट गया और रो रोकर कहने लगा, माँ माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? जब मैंने इसे गौर से देखा तो मुझे इसे तुम्हारी झलक नजर आई। लेकिन गीता, इसकी माँ से ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई होगी। मेरी माँ क्यों परेशान होने लगी? वो तो ये खड़ी है। मैं छोटा जरूर हूँ मगर अपनी माँ को पहचान सकता हूँ। गीता, मेरे लिए एक चाय लेकर आना। अच्छा। तुमने अपनी माँ को कैसे पहचाना? देखकर। नहीं, मेरा मतलब तुम्हारी माँ पहले भी ऐसी दिखने में थी? बस मैले कपड़े पहनती थी। मैले कपड़े पहनती थी? हाँ, बेचारी बोल नहीं सकती थी। बोल नहीं सकती थी। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये जी, ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसी शहर में मौजूद है। आप किसी भी तरह से ढूंढ निकालिए प्लीज। इनका नाम क्या है? चांदनी। राकेश? हाँ मैं बोल रहा हूँ जी। मैं भी आया। हाँ अभी वहां से वो चली तो नहीं गई होगी? आप फिक्र मत कीजिए, मेरे आदमी उनकी निगरानी पर है। ये वो नहीं जिनकी मुझे तलाश है। ये वो नहीं है? है? कमाल है, लेकिन शक्ल तो हूबहू वही है। जी हाँ, लेकिन ये मेरी पत्नी है। है? कमाल है, जिनकी आपको तलाश है वो आपकी पत्नी है, लेकिन वो ये नहीं है, और ये आपकी पत्नी है, और ये वो नहीं है जिनकी आपको तलाश है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। मिस्टर कपूर, आप ये कार्ड रख लीजिए। डॉक्टर सामंत? ये मेरे बड़े भाई है, पागल खाने के इंचार्ज है, उनसे मिल लीजिए। और ये भी रख लो। गुड मॉर्निंग रवि। तेरी आप कब दिल्ली से आए? बस आ गए रवि, तुम कहां गए बेटे? क्यों नहीं, क्या बात है बेटे? मैं तुम्हारे चेहरे पर वही परेशानी देख रहा हूं जो चांदनी के गुजर जाने के बाद देखी थी। नहीं डरी, चांदनी गुजरी नहीं, चांदनी जिंदा है और इसी शहर में मौजूद है। तभी बेटे, हम दोनों ने अपनी आंखों के सामने उसे जिंदगी के हाथ छोड़ते हुए और मौत की गोद में गिरते हुए देखा था। अगर तुम उसे हकीकत में देखना चाहते हो तो गीता में देखो। चांदनी अब इस दुनिया में नहीं है। दिमाग तो यही कहता डरी, पर दिल नहीं मानता। बेटे, जब दिल ना माने तो दिमाग की बात मान लेनी चाहिए। शायद अब ठीक कह रहे हैं। शायद नहीं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। और ताकि तुम इनकी बातों पर गौर कर सको,
डैडी अपने साथ बिजनेस के सिलसिले में तुम्हें लंदन ले जा रहे हैं। दैट्स लाइक माय डॉटर। तभी तैयारी करो, कल सुबह की फ्लाइट है। अरे हम नहीं चले गए यार। नहीं, मेरी मम्मी तो मुझे लेने आती है। अच्छा, मैं तो चला। ओके बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय। ओके डॉक्टर, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, मरीज की हालत बहुत गंभीर है। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन उसकी जान बचा दीजिए प्लीज। हाय डॉक्टर, आप धीरज रखिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। वी शैल ट्राई अवर बेस्ट। मम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों बेटी? मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर मुझे वो आंटी ना बचाती तो मैं मर जाता। नहीं बेटी, ऐसा नहीं है, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबी। और उस आंटी की? तेजाब गिरने की वजह से चेहरा इस कदर झुलस गया है कि होश में आने के बाद जब ये अपना चेहरा आईने में देखेगी तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। ओह माय गॉड, लेकिन इसका भी तो कोई ना कोई इलाज होगा। इलाज है, दैट इज प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी से इसका चेहरा तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। आप खर्चे की परवाह मत कीजिए डॉक्टर साहब, रुपया मैं दूंगी, बस आप इसे ठीक कर दीजिए। जैसा आप कहें मिस्टर कपूर, इसके होश में आते ही मैं प्लास्टिक सर्जरी की तैयारी शुरू कर देता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। दैट्स ऑल, आइए। मदर मैरी, तेरे बेटे ईसा ने दुनिया को नई जिंदगी दी। उसी ईसा के नाम पर मैं तुझसे दया की भीख मांगती हूँ। उसे जिंदगी दे दे जिसने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी। नहीं 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 नहीं, एक बार नहीं, दस बार नहीं, सौ बार नहीं। जब तक मम्मी हमें पिकनिक में नहीं लेके जाएंगे तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। बबलू, क्या बात है, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? लल्ला जी, हमारी मम्मी से आज छुट्टी है, आप बता दीजिए हम क्यों नाराज है। भैया कह रहे हैं कि इसकी छुट्टियाँ चल रही है, इसके सारे दोस्त यार हिल स्टेशन पर सैर सपाटे के लिए गए हुए हैं, और ये बेचारे के घर पे बैठा बोर होता रहता है क्योंकि तुम्हें अस्पताल से दिन रात फुर्सत ही नहीं। आई एम सॉरी बेटे, हमें माफी दे दो,
हम कल तुम्हें घुमाने जरूर ले जाएंगे। प्रॉमिस प्रॉमिस। Lovely, no? Lovely, no? Lovely, no? कमर है कि दारू की पाटली? Lovely, no? चलो चल चलते हैं। मम्मी आइसक्रीम? अरे बेटे आइसक्रीम यहाँ कहाँ मिलेगी? वो देखो मैं अभी ले आई। चल बैठ। अब इसे कौन बचाएगा? अब इसे कौन बचाएगा? आइसक्रीम लवली नो खोल दीजिए। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो।
क्या कहना चाह रही हो? बस मुझे ये मालूम है कि तुम्हारा अपना कोई नहीं है, सिर्फ एक बेटा है जो कहीं खो गया है। फिक्र न करो, मेरे पति उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। चलोगी ना मेरे साथ? आओ बहन, चलो। हॉस्पिटल वाली आंटी। शायद तुम्हारे बच्चे की उम्र बबलू जितनी ही होगी, इसे देखकर तुम्हें उसकी याद आ गई। मैं समझती हूँ, एक मौका माफ होना। यूं दिल छोटा नहीं करते, तुम्हारा खोया हुआ बेटा एक दिन तुम्हें जरूर मिल जाएगा। बबलू बेटी, यही है वो हॉस्पिटल वाली आंटी, ये भी तुम्हारी माँ जैसी है। जाओ इन्हें किसी दो। बेटे पर जादू कर दिया है, अगर तू अपने बेटे को पाना चाहती है तो उसे लेकर भाग जा, भाग, भाग जा, भाग जा। अपने आप को संभालो, बहन। मैं जानती हूँ आईने में अचानक अपना नया चेहरा देखकर तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी, लेकिन मजबूरी। एक्सीडेंट में तहजाब के दिन से तुम्हारा पूरा चेहरा जल गया, इसीलिए प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। अरे मालिक, राम राम मालिक, राम राम। पापा का बेटा कैसा है? पापा का बेटा बहुत अच्छा है। रवि, हाय, कैसे हो गीता? लगता है मेरी याद में तुम कुछ दुबले हो गए। बिल्कुल नहीं। अच्छा ये बताओ, ये आउट हाउस में कौन ठहरा हुआ है? मैंने तुम्हें बताया था ना, उस औरत को घर पर ले आए हैं। बेचारी बहुत दुखी है वो। क्यों? बबलू की उम्र का उसका अपना बेटा था जो कहीं खो गया है। कुछ
और भी बताए उसने अपने बारे में, कहाँ से आई है, कौन है, कोई रिश्तेदार? साहब आपके लिए डॉक्टर बनर्जी का फोन है अंदर वाली लाइन पर। एक्सक्यूज मी, मैं भी आई। पापा हाँ? वो हॉस्पिटल वाली आंटी है ना? हाँ? वो आपको कुछ बता ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती, जैसे पहले मेरी मम्मी ने बोलते थे ना, बिल्कुल वैसी। बिना पूछे मैं अंदर चला आया। मैं रवि हूं, बब्लू का पिता। अच्छा तो गीता ने आपको मेरे बारे में बता दिया। बस मैं ये कहने आया था कि आप यहां आराम से रहिए, इसे अपना ही घर समझिए। देखो बहन, दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं, ये मेरे पति हैं। आते ही तुम्हारा हालचाल पूछने चले आए, आज तुम्हें भी पहली बार देख रही हूँ। लेकिन जब जान जाओगी तो मानोगी तारीफ उस खुदा की जिसने इन्हें बनाया है। किताब, किताब, क्या हो गया तुम्हें? बहुत दिनों बाद मिले हो, इसलिए अपनी खुशी जाहिर कर रही हूँ। मेरे ख्याल से हम इनका आराम में दखल दे रहे हैं, चलो। अच्छा किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता दीजिएगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सोच रहा था इस औरत को देखकर ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ। उसने तुम्हारे बबलू की जान बचाई ना, इसलिए। हो सकता है, लेकिन वो औरत जिस तरह मुझे देख रही थी मैं कुछ समझ नहीं पाया। जो बात समझ में ना आए उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अब फौरन मुझे अपनी बाहों में ले लो, वरना मैं नहीं, 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 नहीं। उठाती थी। मैं बहुत खुश हूँ, जानती हो क्यों? पहली बात तो ये कि तुमने मेरी बात मानकर हमें और इस घर को अपना लिया, और दूसरी बात ये कि ठीक 7 साल पहले आज के दिन रवि और शादी हुई थी। आज शाम को इसी खुशी में पार्टी है, तुम ये कपड़े पहन लेना। चलती हूँ, बहुत तैयारियां करनी है शाम की पार्टी के लिए।
से खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया। तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया। खुदा की जिसने तुझे बनाया, इतनी हसीन मिट्टी जाने कहाँ से लाया। तारीफ खुदा की जिसने तुझे तो तेरा हसीन मुखड़ा या चांदनी का टुकड़ा है, तेरा हसीन मुखड़ा या चांदनी का टुकड़ा, दो फूल है के लब है, हैरान लोग सब है। अगर उस पे ये चाल तेरी हो तेरी, क्या तू मिसाल तेरी, एक शे याद आया। तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे बनाया, तारीफ उस खुदा की जिसने तुझे कपूर। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, सालगिरह इनके जन्मदिन का नहीं, हमारी शादी का भी है, और हम आपको यकीन दिलाते हैं हम दोनों ने एक ही दिन एक ही साथ एक ही वक्त में शादी की। वेरी गुड, मुबारकबाद हमें भी दीजिए। डॉक्टर, ये है मेरे पति मिस्टर कपूर, और ये है डॉक्टर बैनर्जी जिन्होंने उसका इलाज किया था। ओह हेलो, हाय बबलू, एक्सक्यूज मी,
मिस्टर कपूर, जब एक्सीडेंट हुआ तब आप यहाँ नहीं थे। मिसेस कपूर काफी परेशान थी, बट आई मस्ट से शी इज अ ग्रेट लेडी। ओह या, थैंक यू। मिस्टर कपूर, मेरी पेशेंट कैसी है? आप किसकी बात कर रहे हैं? जिसने आपके बच्चे की जान बचाई। आपको नहीं मालूम, मैंने ही उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की थी। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता सकते हैं ऑपरेशन से पहले वो कैसी लगती थी? ये तो भगवान ही जाने। एक्सीडेंट में उसका चेहरा इस कदर झुलस गया था कि पहचाना नामुमकिन था। कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? मैं बताता हूं तुम कौन हो। तुम चांदनी हो। डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चेहरा बदल सकता है, रूप बदल सकता है, लिबास बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं बदली चांदनी। ठीक है, मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरे एक सवाल। अगर तुम मेरी चांदनी नहीं हो तो तुम कौन हो, क्या हो? मैं पूछता हूं, क्या नाम है तुम्हारा? जब इंसान के कदम कमजोर हो जाते हैं तो वो देवी देवताओं के शरण लेता है। तुम लक्ष्मी नहीं, चांदनी हो। अगर कल शाम तक तुमने सच्चाई को मंजूर नहीं किया तो देखना मैं क्या करता हूं। क्या कर रहे हो रवि? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। काफी रात हो गई है, चलो सोए। हाँ चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, कपड़े गाड़ी में रखे हैं। मैं ऊपर छत पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे विश्वास है कि तुम जरूर आओगे। लिबास पहनकर हमारे रिश्ते की जिस सच्चाई को मंजूर किया है उसके लिए मैं तुम्हारा एहसान मंद हूं। मैं जानता हूं, मैं तुम गीता किस्मत के जिस भंवर में घिर गए हैं उसे निकलने के लिए हमें इंसानी जज्बात से ऊपर उठना होगा। फिर भी मुझे यकीन है जब गीता को हमारे संबंध मालूम होंगे तो उसे दुख चाहे जितना भी हो वो हमारा रिश्ता कबूल कर लेगी। मैं नहीं जानती थी कि कोई औरत इस कदर गिर सकती है कि अपनी हवस के लिए पराए सुहाग को अपना सुहाग मान सकती है। मैं नहीं जानती थी कि मैं जिसे अनाथ और बेबस औरत समझकर अपना रही हूँ वही औरत मुझे मेरे पति से पराया कर देगी। बोल, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तो मेरा सब कुछ बिगाड़ना चाहती है?
अपनी लाचारी का ढोंग मत रचा। निकल मेरे घर से, अब तू यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकती। रहेगी तो ये यही रहेगी। क्यों रहेगी? मैं पूछती हूँ क्यों रहेगी? कौन है ये औरत जिसकी तुम हिमायत कर रहे हो? मैं बताता हूँ ये औरत कौन है। ये औरत वो औरत है जिसकी किस्मत ने दुनिया के तमाम दुख इसकी छोली में डाल दिए, फिर भी ये जिंदा रही। ये औरत वो सुहागन है जिसने अपने सुहाग को पराया घर में देखकर अपना सुहाग मानने से इनकार कर दिया। ये औरत वो माँ है जिसने अपनी ममता का बलिदान कर दिया, फिर भी उफ तक नहीं की। ये इसलिए खामोश नहीं है कि ताकि बोल नहीं सकती, अगर ये बोल भी सकती तो भी खामोश रहती, क्योंकि क्योंकि ये औरत नहीं है गीता, एक देवी है, इसका नाम चांदनी है। पर ये हमेशा गम के अंधेरों में जीती रही। चांदनी, बबलू मेरा बेटा जरूर है पर उसकी मां ये है। क्या क्या ये सच है? नहीं चांदनी, तुम यहां से नहीं। इसी का तुम्हारे पास क्या जवाब है चांदनी? या नहीं सिर्फ इसी हमारे प्यार की पवित्र कसम है चांदनी, इसी की कसम खाकर कह दो, कह दो, कह दो कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, कह दो कि तुम बबलू की मां नहीं हो, कह दो चांदनी, कह दो कि तुम बबलू की मां नहीं हो। एक बार, एक बार। नहीं चांदनी, तुम नहीं जाओगी। तुम्हारी संतान यहां है, तुम्हारा सुहाग यहां है। हाँ, और मैं तुम्हारे और रवि के सफर में प्यार का वो सिलसिला हूं जिसे वक्त ने तुम्हारी परछाई बनाकर भेज दिया था। इस घर पर मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है, तुम्हारी यादों की तस्वीर है। गीता, चांदी, चांदी, क्या कर रही हो तुम? होश में आओ चांदी, पागल हो गई हो, होश में आओ। क्यों नहीं बुलाते?
लवली नो लवली वाह दैट्स कॉल्ड लवली लवली मोटरसाइकिल राइड बेबी यू ऑलवेज द Lovely, no? Ooh, darling, my jaw out. Out. Lovely, no? जाऊंगी कहीं नहीं जाऊंगी
पिता, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, बैठ मेरे पास। तू कुछ पहना, मैं कुछ गीता नहीं, चांदनी।